मॉर्निंग गाइस, इट्स डे टू। वाओ, देखो क्या फॉग लगा हुआ है माउंटेन पे। तो अभी फटाक से रेडी होते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, देन आई विल सी यू। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं आपको जाते तो दिखाऊंगी आप कहाँ जा रहे हैं। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये वाटरफॉल पे। यहाँ पे ना ऐसी ऐसी जगह जिनका नाम ही नहीं ले सकते, अजीब प्रोनाउंसिएशन है ना उनके, तो मैं इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूंगी या फिर आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगी गूगल मैप पे जहाँ पे भी हम जा रहे हैं। तो यहाँ फॉरेस्ट में दो तीन वाटरफॉल है। अभी 10 बज रहे सुबह के, तो हम सब वाटरफॉल से नहर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत एक एक्साइटिंग चीज़ करने वाले हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, पर जब हम करेंगे तो मैं बताऊँगी। एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी डरी हुई हूँ, नर्वस भी हूँ, बट होप ऑल गोज वेल। ये हमारा वड़ा पाव चल रहा है, इंग्लिश वड़ा पाव। ये बस रूट पे हमें काफ़ी सारे कैंपिंग साइट्स दिखे, प्लस बहुत अच्छे फार्म्स थे जहाँ पे शीप्स एंड ऑल थे। तो वी हैव कम टू स्वालो फॉल्स। ये मतलब बहुत ही फेमस है यहाँ का वाटरफॉल। दिस इज़ द फर्स्ट वाटरफॉल डेस्टिनेशन दैट वी आर गोइंग, एंड अभी बारिश भी बंद होगी, अच्छी प्यारी सी सनलाइट आ रही है। तो यहाँ पे एंट्री फीस भी है, दैट वी डिडंट नो, टू 2 pounds पर पर्सन पर एडल्ट एंड 1 pound फॉर एनीबडी हु इज बिलो 14 ईयर्स। यहाँ पे वाटरफॉल है, उसकी साइड में स्टेयर्स है, तो अभी हम उसे नीचे उतर के जा रहे हैं और देखते हैं नीचे क्या है। सो देर वर लॉट ऑफ कॉइन्स इन द वाटर, तो मैंने भी एक विश मांग ली और एक सिक्का उछाल दिया। अभी हम बस लेके, हम दो बस से ही ट्रैवल करें, T10 एंड S1, एंड ये हम लोगों ने डे राइडर ले लिया था, तो 6 pounds पर पर्सन रहता है, उसमें आप अनलिमिटेड पूरे दिन घूम सकते हो। यहाँ पे कोई भी जो भी बस है, सब कंपनीज के बस में आप घूम सकते हो। तो अभी हम लोग एक 7-8 minutes की दूरी पे एक सिटी पे आए हैं, आइसक्रीम की शॉप आई है। 7 pounds की एक कोन आइसक्रीम क्या लिया, मेंटोस के ड्रिंक। बहुत ही छोटा टाउन है, मतलब इंडिया में जैसे जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ खाने चटर पटर मिल जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप घर से ही लेके आना पड़ेगा। ये हमें मेंटोस की कोई ड्रिंक मिली है, उसमें मेंटोस के पार्टिकल्स जैसे कुछ, बड़ा अजीब है एकदम, जली जैसा। हाँ, फिश एंड चिप्स के शॉप में गए थे, वहाँ पे वो लोग सब मीट चिप्स एंड ऑल सब कुछ एक ही ऑयल में फ्राई करते थे। यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट है खाना ढूंढना। अभी 2 बज रहे हैं, अभी थोड़ा हमने खाना वाना खाया, अभी हम कोई ट्रैक पे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, एंड देन उसके बाद हम जाने वाले हैं जिप वर्ल्ड। वहाँ पे हमने एक कुछ तो बुक किया है, वो देख आप देखना मज़ा आएगा। 4 लोग ने बुक किया था तो हम लोग को अच्छा डिस्काउंट मिल गया, प्लस हमने एक कोई डिस्काउंट कोड से भी किया तो हमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल गए। तो हमने आई थिंक 76 pounds में 4 लोग की टिकट की है फॉर दिस ओनली दिस पर्टिकुलर रोलर कोस्टर राइड। सो वी डिस्कवर्ड अ स्मॉल शॉप यही सिटी में, एंड दे हैड ऑल दिस प्लेसेस लिस्टेड डाउन जो भी यहाँ पे स्नोडोनिया में घूमने लायक है, एंड सम वर्चुअल रियलिटी थिंग विच यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लिप। क्या दिख रहा है? लोग दिख रहे हैं, से ऊंचा माउंटेन। In Wales, in North Wales. नहीं, Wales. In whole Wales. We are now in North Wales. तो ये वाला हम अभी जाके आए हैं, स्वालो फॉल्स। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये इनकी लैंग्वेज में लिखा है। लेट्स सी, इसको इंग्लिश कर सकते हैं क्या हम? Hours later. हाँ, कर सकते हैं, नाइस। इन
के ना नाम इतने वियर्ड हैं, समझ में भी नहीं आ रहे हम कहाँ कहाँ जा चुके और कहाँ नहीं. सो वी टुक दिस फॉरेस्ट वॉक एज शोन इन द वीडियो. एंड इफ़ यू आर समबडी जिसको ना ज़्यादा ट्रैक करना नहीं पसंद है, स्ट्रेट पाथ पे चलना ही पसंद है, तो ये आई वुड से दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू, बिकॉज इतना प्यारा एंड पीसफुल वॉक था ये. हम थोड़ा नीचे से वही स्ट्रेट जा रहे थे, देन हम थोड़ा ऊपर चढ़ के आए यहाँ से. अभी कोई दूसरी ट्रेल है उस पर जाएंगे. ये कैसे लिखा हुआ है? खून से लिखा. खून से तो नहीं लिखा है, काले खून होते हैं ना उनका. बड़ा वियर्ड है ये. बाय. थोड़ा 20-30 मिनट ऊपर हाइक करके आए एंड यहाँ पे हम बैठे हैं. ये व्यू पे नेक्स्ट स्टॉप हमारा है जिपोल. वहाँ पे भी चल के जाएंगे तो वो भी 20-30 मिनट वॉकिंग है एंड देन 5 बजे हमारा वो रोलर कोस्टर बुकिंग है. सो वी स्टॉप्ड एट अ रियली क्यूट कैफे. ये एक्चुअली बंद हो रहा था तो सिर्फ केक्स अवेलेबल थे, तो मैंने स्ट्रॉबेरी केक लिया विच वॉज रियली इन एक्सपेंसिव. 1.50 पाउंड का ही था. हम वॉक करके जा रहे हैं जिपोल. ऐसे बसेस भी जाती है बट बहुत उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है. 5 बजे का बुक किया हुआ है तो हमें लेट हो जाएगा, इसलिए हम वॉक करके ही चल रहे हैं. ये देखो छोटा सा झरना. ये देखिए मेरे को लोनावला की याद आ रही है. पूरे रास्ते पे सिर्फ झरने ही हैं. लुक एट दीज ट्रीज, कितने मस्त लग रहे हैं. ये विंटर में यार ये जगह बहुत ही मस्त लगती होगी. सो टायर्ड भाग भाग के हम लेट हो गए. एंड लेट मी शो यू हाउ दिस लुक्स लाइक. यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है. सिक्स मिनट की पूरी राइड है. ये लाइन लगी हुई है पूरी. मुझे बोला गया है कि स्पीड कंट्रोल कर सकते गियर से, तो मैं सिर्फ वो ही सुन के जा रही हूँ. अदरवाइज आई एम स्कैर्ड ऑफ रोलर कोस्टर्स. देखो मैं दिखाती हूँ कैसे कर रहे हैं लोग. ये कुछ ऐसा है. ओ भाई ये बहुत स्पीड में है. नहीं अभी कम हुई, वहाँ से बहुत तेज है. ठीक है बच्चे लोग जा रहे तो ठीक ही होगा. वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अलाउड नहीं होगा. एंड पेड है इसमें लाइक वीडियो थिंग, तो वो 8 पाउंड है तो नहीं लिए हमने. सो गाइज दिस राइड वॉज ऑफ टोटल 6 मिनट्स, जिसमें से 5 मिनट्स सिर्फ ऊपर लेके जाते हैं एंड ऊपर पहुँचने के बाद एक ड्रॉप आता है जो थोड़ा स्पीड में होता है एंड वो हम अपने गियर से यू नो उसका वो स्पीड है वी कैन कंट्रोल दैट. तो वह तब तो वीडियो लेना इम्पॉसिबल है, बट जब हम ऊपर जाए थे तो मेरे फ्रेंड ने ये वीडियो लिया है एंड द व्यू वॉज सो गुड. मतलब पूरा फॉरेस्ट से लेके जाते हैं बीच से एंड इट वॉज लाइक रियली नाइस एज यू कैन सी इन दिस वीडियो. Guys, I just got off the ride. हमने 3 बार किया एंड फर्स्ट टाइम तो मैं इतनी स्लो गई बट ग्रेजुअली थर्ड अटैम्प्ट 3 बार जा सकते बेसिकली ये राइड में. तो जब मैं 3rd बार गई तब तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बट फर्स्ट टाइम मैं बहुत स्लो जा रही थी. एनी वे वी हैड फन एंड अभी हम जा रहे हैं वापस अपने Airbnb. हाई गाइज इट्स Day 3 एंड हमने चेकआउट कर दिया है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कोई तो ट्रैक एंड देन एक वाटरफॉल देखने एंड उसके बाद हमारी 3 बजे की ट्रेन है वापस टू लंदन. आज का दिन शॉर्ट ही रहेगा, अभी 10:30 चालू हुआ है. ये बस स्टॉप का नाम देखो गाइज.
अभी हमने 5D बस ली एंड अभी एबर फॉल्स जा रहे हैं। यू आर हियर, ऐसे 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 यहाँ तक जाना। हमारे पास इतना सारा सामान है, इट्स गेटिंग इम्पॉसिबल ऊपर चढ़ने के लिए, बट कोशिश करेंगे। वो मम्मी अपने बच्चे को लेके आ रही है, प्री ट्रैक करवा रही है, बेचारा करना नहीं चाहता है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे ना ट्रैक कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे देख के। ये पूरा ट्रैक इज ऑलमोस्ट लाइक 1 hour 40 minutes ऊपर चढ़ के नीचे, जस्ट लुक एट द व्यू। ओह दिख रहा है, कुछ मोटिवेशन मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। फाइनली पहुंच गए। Now we're going back last few hours in Wales. बहुत मज़ा आया Wales में, थोड़ा hectic हो गया था लेकिन overall काफ़ी मज़ा आया। वापस आएंगे हम जब भी मन करेगा nature के close जाने का। That's it for this vlog guys. If you enjoyed it, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. मिलेंगे वापस अच्छे प्यारे से vlog में। Until then, bye bye and take care.